तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में हम देख लेते हैं सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशंस, मतलब डीडी संक्रमण के लिए वरण नियम। तो ये जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जहां पे हम लोग दो रूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहला तो होगा चक्रण वरण नियम, जिसे हम कहते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, और सेकंड नंबर का रूल हम देखने वाले हैं लपोर्ट वरण नियम, जिसे कहते हैं लपोर्ट सिलेक्शन रूल। तो दोनों रूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इसके अलावा ये जो बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हमारा कम्प्लीट होने वाला है, कम्प्लीट सिलेबस जो भी वीडियोज बने हुए हैं सारे आप लोगों को चैनल में मिल जाएंगे। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में आपको चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये जो डीडी ट्रांजिशन के लिए जो वरण नियम है, मतलब सिलेक्शन रूल है, वो ये रूल किस लिए लागू किया गया, मतलब ये रूल हमें क्या बताता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे डेफिनेशन टाइप से ही है, तो इसके बारे में सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, देन इसके बाद हम जो भी इनके रूल है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो 3 से 4 लाइन में देखिए, ये रूल यह बताते हैं कि किसी एक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का, मतलब किसी एक एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किन किन एनर्जी लेवल में अलाउड है और किन में अलाउड नहीं है, मतलब फॉरबिडन है। देखो ये रूल यहां हमें यह बताते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को काफी टाइम्स बता चुकी हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि जब हम उसे रेडिएशन या फिर एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर के लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। तो यहीं पर उसी चीज को कहा जा रहा है कि ये जो रूल है हमें यह बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कौन से एनर्जी लेवल में जाएंगे, कौन से एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, मतलब किसमें जाएंगे तो वो अलाउड होंगे और किसमें जाएंगे तो वो वर्जित होंगे, मतलब फॉरबिडन होंगे। खैर जब आगे हम ये रूल देखेंगे आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया हुआ है वो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लास्ट में हम इस पॉइंट के ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। तो दो लाइन का डेफिनेशन है जो कि वरण नियम के लिए आपको लिखना है। अब चलिए फर्स्ट रूल हम देखते हैं। सबसे पहला है चक्रण वरण नियम, स्पिन सिलेक्शन रूल। तो देखिए नाम से स्पष्ट है यहाँ पे चक्रण की बात हो रही, मतलब स्पिन की। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो दो टाइप के यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, ये तो आप सभी को पता ही है। तो मान लीजिए हमारे पास एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के 3 पार्ट होते हैं, एस ऑर्बिटल के 1, ये आपको पता ही है। मान लीजिए हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं एस ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मूल अवस्था में, तो हमें पता है कि जो ग्राउंड स्टेट होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में ही रहेंगे, क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम उत्तेजित अवस्था की बात करें, एक्साइटेड अवस्था की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद करके पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, क्लियर हुआ आपको। तो एक्साइटेड स्टेट का मैं यहाँ पे 2 आप लोगों को बताऊंगी, 2 टाइप का कंडीशन बताऊंगी। सबसे पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि देखिए इस प्रकार से, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, पहले में ये बताया जा रहा है, दूसरे में ये बताया जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में कि एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो 2 कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा अलाउड है और कौन सा अलाउड नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन रूल तो हमें यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब कूदते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा अलाउड होगा और कौन सा अलाउड नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्राउंड स्टेट के बारे में देखते हैं, यहाँ पे हम लोग स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में देख रहे हैं। तो मूल अवस्था में देखिये एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो आप सभी को पता है। अब हम यहाँ पे एस का वैल्यू निकालते हैं, एस मतलब आप समझ गए स्पिन। तो एस का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि क्लॉकवाइज के लिए हम लोग +1/2 लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग -1/2 लिखते हैं। तो दोनों का जब हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका 0 आएगा, क्योंकि प्लस है माइनस है, आंसर 0 आएगा। तो एस का वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए 0 आया हुआ है, ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट के लिए। अब हम लोग एक्साइटेड स्टेट के लिए देखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए हम लोग क्या देखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कूद करके पी ऑर्बिटल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे बट ये ध्यान देना कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लियर हुआ आपको, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होता है, जो इसका वैल्यू होता है वो प्लस होगा। तो दोनों क्लॉकवाइज में है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चक्रण कर रहे हैं, तो ये +1/2 +1/2, मतलब इसका वैल्यू 1 आया। तो अगर एस का वैल्यू 1 आता है
तो फिर ये वर्जित है, मतलब ये फॉरबिडन है, ऐसा अलाउड नहीं है कभी भी। यहाँ पर अगर हम स्पिन सेलेक्शन रूल की बात करें तो एस का वैल्यू 0 ही आना चाहिए, एस का वैल्यू 1 नहीं आना चाहिए। तो अगर एस का वैल्यू 1 आ रहा है तो ये वर्जित है, मतलब ये रॉन्ग है। इस टाइप से एक्साइटेड स्टेट नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू सेलेक्शन रूल। अब एक्साइटेड स्टेट की हम बात करें उत्तेजित अवस्था, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसमें हम लोग एस का वैल्यू +1/2 लिखेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसके लिए हम लोग -1/2 लिखेंगे। और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, मतलब ये अलाउड है क्योंकि यहाँ पर एस का वैल्यू 0 आया है। अब देखें क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो एक जो है वो क्लॉकवाइज होंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज होंगे, दोनों जो है वो क्लॉकवाइज नहीं हो सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो यहाँ पर एस का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये अलाउड है। तो इस प्रकार का अगर एस का वैल्यू, हमेशा आपको याद रखना, एस का वैल्यू अगर 0 आता है तो अलाउड होगा, मतलब वो ये कहें अनुमत होगा, और अगर एस का वैल्यू 1 आता है तो वो वर्जित होगा, मतलब फॉरबिडन होगा। तो यही आपका स्पिन सेलेक्शन रूल कहलाता है। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ। तो एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इस नियम के अकॉर्डिंग वे ही इलेक्ट्रॉन संक्रमण अलाउड होते हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है एस का वैल्यू जो है वो 0 आना चाहिए। तो डेल्टा एस अगर 0 है तो वो अनुमत होगा, मतलब अलाउड होगा, और डेल्टा एस का वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वो वर्जित होगा, मतलब एक अलाउड है और एक फॉरबिडन है। तो क्लियर हुआ आप लोगों को स्पिन सेलेक्शन रूल? आगे हम इसमें और भी पॉइंट एड करते हैं। आगे देखिए, आगे आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, जब एस का वैल्यू 0 होता है तो चक्रण बहुकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैंने आई थिंक आप लोगों को एलएस कपलिंग में बताया हुआ था, जिसका वैल्यू 2s+1 होता है, मतलब एक फॉर्मूला टाइप से है, 2s+1 होता है। मान लो एस का वैल्यू 0 आया है, जो हम लोग एस का वैल्यू देखे ना, एक में 1 आया था, एक में 0 आया था, मान लो हमारा एस का वैल्यू 0 आता है, तो 0 पे आप एस का वैल्यू की जगह आप 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 × 0+1 तो इक्वल क्या होगा, 1 होगा। तो अगर 1 आता है तो इस स्टेट को हम लोग सिंगलेट अवस्था कहते हैं, मतलब जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हम देखें, चक्रण बहुकता देखें, अगर उसका वैल्यू 1 आता है तो उसको हम लोग सिंगलेट अवस्था बोलते हैं। और अगर वैल्यू हमारा, अगर एस का वैल्यू 1 होता है, अगर मान लो यहाँ पे देखें एस का वैल्यू अगर हमारा 1 आता है, तो अगर हम लोग इसको ये इस फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला में रखते हैं 2s+1 में, तो इसका आंसर जो है वो 3 आएगा। यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो 2 × 1+3 होगा। तो इस अवस्था को हम लोग ट्रिपलेट अवस्था कहते हैं। अगर 1 आता है इसका आंसर तो सिंगलेट अवस्था, और अगर 3 आता है तो ट्रिपलेट अवस्था। तो सिंगलेट अवस्था अलाउड होते हैं, मतलब अगर 0 आता है वैल्यू, सिंगलेट है तो अलाउड है, और ट्रिपलेट है तो वो अलाउड नहीं है, मतलब फॉरबिडन है, वर्जित है। तो ये होता है गाइस, बहुत ही छोटा सा आंसर होगा इसका, जिसमें हम लोग देखें चक्रण वरण नियम से आप क्या समझते हो स्पिन सेलेक्शन रूल। तो कभी कभी क्या होता है, अलग से पूछे जाते हैं स्पिन सेलेक्शन रूल ही, केवल आपको 2 मार्क्स के लिए, 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा इसका आंसर है। या फिर कभी कभी आपको सीधा पूछ सकते हैं सेलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। तो सेलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन आता है तो केवल एक नहीं लिखना है आपको, केवल स्पिन सेलेक्शन रूल नहीं लिखना है आपको, लपोर्ट वरण नियम भी लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है लपोर्ट सेलेक्शन रूल? तो लपोर्ट सेलेक्शन रूल जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, एक्चुअली मुझे इसे बाद में लिखना था, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसका जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो पहले मैं बता दूंगी। तो लपोर्ट सेलेक्शन रूल में आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है, एसपीडीएफ। हमें पता है कि जो एल का वैल्यू होता है वो एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है, ये आप समझ गए। अब चलिए इसके मैं पहले आप लोगों को दूसरा पॉइंट बताती हूँ, फिर ये पहला पॉइंट बताऊंगी मैं। आप जब लिखोगे तो इसे आप पहले लिख सकते हो, देन इसके बाद ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ज्यादा नहीं है इसमें, केवल 2 ही पॉइंट है, पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। तो दूसरा पॉइंट को मुझे पहले लिखना था बट मैं इसे सेकंड नंबर में लिख ली हूँ, हालांकि कहीं कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोगों को जल्दी समझ आया करके मैं सेकंड पॉइंट पहले बता रही हूँ। जब इलेक्ट्रॉन एक उपकक्ष से, उपकक्ष मतलब आप समझ गए सबसेल, एक उपकक्ष से दूसरे उपकक्ष में संक्रमण करता है तो यह संक्रमण लपोर्ट अनुमत संक्रमण कहलाता है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है, मान लीजिए एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये पी ऑर्बिटल, ये मूल अवस्था हुआ, मतलब ग्राउंड स्टेट हुआ। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कूद करके
पी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, तो इस प्रकार का जो होगा कंडीशन होगा, एक एस जैसे कि एक ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, अब ये कूद करके पी ऑर्बिटल में आ गए, तो अगर हम लोग एल का वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता है एल का वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, जीरो होता है, और पी ऑर्बिटल के लिए वन होता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो अगर एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एल का वैल्यू जीरो हुआ, और अगर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एल का वैल्यू वन हुआ। तो दोनों एल के वैल्यू में कितने का अंतर है, यहां पे जीरो है यहां पे एक है, तो अंतर कितने का है, एक का ही अंतर है ना, क्योंकि यहां पे जीरो है यहां पे वन है, तो डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आया, वन। समझ आया आप लोगों को, यहां पे एक का अंतर है तो डेल्टा एल का वैल्यू वन आया। तो अगर मान लो डेल्टा एल का वैल्यू वन आता है तो अकॉर्डिंग टू लपोर्ट सिलेक्शन रूल ये जो आपका ट्रांजिशन होगा वो अलाउड होगा। अगर L का वैल्यू 1 आता है तो अलाउड है। जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को, मान लीजिए P ऑर्बिटल है और ये D ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके D ऑर्बिटल में आ गए हैं, क्लियर हुआ आपको। तो हमें पता है L का वैल्यू P ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, 1 होता है, और D ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, 2 होता है। तो L का वैल्यू P ऑर्बिटल के लिए 1, D का वैल्यू L ऑर्बिटल L का वैल्यू D ऑर्बिटल के लिए 2 आया। तो दोनों के L के वैल्यू में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, तो डेल्टा L का वैल्यू कितना आया, 1, तो ये अलाउड है, मतलब अनुमत है। तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन होगा वो अलाउड है, क्लियर हुआ। तो ये तो हम लोग देखे लपोर्ट सिलेक्शन रूल, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है। तो ये जो मैं आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट बताई हूँ उसमें मैंने आप लोगों को अलाउड वाला बताया। हमेशा याद रखना अलाउड वाला में जो डेल्टा एल का वैल्यू है वो 1 आना चाहिए। लेकिन अब कौन सा अलाउड नहीं है, मतलब कौन सा फॉर्बिटन है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन समान उपकक्ष में मतलब एक ही ऑर्बिटल में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, तो यह ट्रांजिशन वर्जित होता है, मतलब फॉर्बिडन ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डीडी ट्रांजिशन। तो डीडी ट्रांजिशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगर आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जस्ट इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ था डीडी ट्रांजिशन, उसमें क्या देखे थे हम लोग कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो T2G सेट से EG सेट में चले जाते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इनका ट्रांजिशन हो रहा है, डीडी ट्रांजिशन हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू लपोर्ट सिलेक्शन रूल डीडी ट्रांजिशन वर्जित नहीं है, डीडी ट्रांजिशन जो है वो फॉरबिडन है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है अकॉर्डिंग टू लपोर्ट सिलेक्शन रूल। तो ये वर्जित संक्रमण होगा, इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है वो लपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। केवल इस टाइप का जो ट्रांजिशन होता है वो अलाउड होता है। तो दोनों पॉइंट तो आप लोग समझ गए अच्छे से, और कंप्लीट होता है आपका सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन। आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।